दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जो सभी का चाहता है और सभी इसे पसंद करते हैं। हर कोई इसे बाइक में लगाना चाहता है, तो ये है बाइक का सिक्योरिटी सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, कौन कौन सा मॉडल है, कैसा काम करता है और इसका टोटल सर्किट डायग्राम कैसे बाइक में फिट करेंगे आप लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है सिक्योरिटी सिस्टम जो बाइक में लगता है, रिमोट के साथ आता है। तो ये है रूट्स कंपनी का जो न्यू मॉडल अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो अब देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। ये इसका नंबर है, एक QC क्वालिटी चेक पास उसने इसने किया है। तो इसमें इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन सा पिन कहाँ जाता है, कलर कोड भी है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कलर कोड के साथ बता दूंगा कौन सा तार कहाँ लगता है, कैसे आप घर में आसानी से इसको फिट कर सकते हैं और इसके अंदर का कंपोनेंट क्या क्या इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कंपोनेंट है क्या क्या इसमें दिया गया है और कैसे काम करता है। तो चलिए, तो ये देखिए, ये है 3, 3, 6 और 2 पिन है। तो 6, 2, 8 पिन का कॉन्फ़िगरेशन मेन जैक जो है, मेन सॉकेट है, इसमें रखता है। तो सभी सिक्योरिटी सिस्टम में ये जैक जो है, ये जो सॉकेट है, ये लगभग सेम ही सेम है, वो 8 पिन ही आपको मिलेगी। तो ये हो गया न्यू वाला जो था रूट्स का। अब ये मिंडा का है, मिंडा सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसको हम देखेंगे इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। देखने में ही लगभग सेम टू सेम है, थोड़ा इधर उधर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। खोलने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ेगा अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है वो सेम है या अलग है। तो चलिए इसको भी थोड़ा नज़र दे के देखते हैं कैसा है ये। चलिए इसको साइड में करते हैं और तीसरा वाला मेरे पास है रूट्स का पुराना वाला मॉडल। नया वाला आपने देख लिए, ये है रूट्स का पुराना वाला मॉडल। अभी जितने भी बाइक में ये लगा है यही वाला मॉडल लगा होगा, क्योंकि ये नया वाला मॉडल रूट्स ने निकाला नहीं था। अभी कुछ ही महीने हुआ ये मार्केट में अवेलेबल है नया वाला। तो ये देखिए, इसमें भी वही पिन है, वही 3, 3, 6 और 2 लास्ट में, 8 पिन का कॉन्फ़िगरेशन। ये भी देख लीजिए आप, इसमें भी वही है और नया वाला में भी देख लीजिए। ये देखिए, पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जितना पिन है उसमें, तो 8 पिन का ही है इसमें, जो मैंने उसका जैक रहता है, सॉकेट बोलिए, जैक बोलिए। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, तीन तीन 6 पिन का। इसको भी साइड में करते हैं हम, इसको भी साइड में करते हैं। तो आज हम इस तीनों में से किसी को खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो न्यू वाले को हम साइड में रखते हैं, आज हम ओल्ड मॉडल जो भी है, जो भी ज़्यादा लगा हुआ है बाइक में, हर कोई बाइक में इसी को आपको मिल जाएगा यही सिस्टम, ये बहुत पॉपुलर था। तो इसको हम खोलेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है उसमें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको सीखने के बहुत कुछ मिलेगा और जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पूरा देखा कीजिए और लास्ट में जो मैं आपको बोला कि इसका सर्किट डायग्राम मैं दूंगा, तो आप उसको सेव करके रखिए। अगर गाड़ी में कभी आपको ख़राबी हुई या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उसे देख के ठीक कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, सही ढंग से रीइंस्टॉल कर सकते हैं जो कंपनी का रिकमेंडेशन है। ये देखिए, इसमें खतरा रहता है ये सब सिस्टम में पानी का, इसमें पानी हर वक्त घुसता है। अगर आप वॉश करते हैं या वॉशिंग पॉइंट में जाते हैं, अगर अच्छी जगह इसको इंस्टॉल नहीं किया और थोड़ा कवर ववर नहीं किया, तो इसमें पानी घुसने का खतरा हर वक्त रहता है। ये सब चीज़ ऐसे ख़राब नहीं होता है, ये सब चीज़ में पानी घुसने से ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ भी लगा है पानी से बहुत खतरा है उसे। अब अगर उसे पानी से बचा के रखते हैं तो आपका लॉन्ग लास्टिंग ये करेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें। ये देखिए ये लगभग खुल चुका है, इसको कवर साइड में रखते हैं और आपको मैं क्लोज व्यू उसका दिखाऊंगा क्या क्या इसमें है। ये देखिए इसमें चार रिले लगा हुआ है जो कि आपका स्टार्टर का काम करता है, एक रिले हेडलाइट का काम करता है, इंडिकेटर्स का काम करता है, और जो अभी सिक्योरिटी सिस्टम का जो साउंड सिस्टम है जिससे अलार्म निकलता है बजर का, उसमें एक काम करता है। ये है उसका रबर का सील जो पानी से इसे बचाता है, अगर ये कट जाता है तो पानी आसानी से अंदर घुस सकता है। तो इसे थोड़ा चेक कर लीजिए जब भी गाड़ी आप सर्विसिंग कर रहे हो, कटा है या ठीक है। ये इसका प्रोसेसर आईसी है, ये इसका पावर आईसी है, ये भी छोटा वाला, ये भी एक मेमोरी आईसी है, ये इसका मॉस्फेट है और रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं आप। ये पीछे का लुक है, तो इसको हम साइड में करते हैं और फिर दूसरे वाले को हम खोल के देखते हैं। मिल्डा का मैंने खोल दिया, अब ये रूट्स का पुराना वाले को खोल के देखेंगे इसके अंदर लगभग सेम है या कुछ अलग है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए सेम है या कुछ अलग है। ये देखिए इसमें थोड़ा नट का ज़्यादा स्क्रू टाइट किया है, थोड़ा क्वालिटी में बेहतर है और थोड़ा बड़ा भी है, तो मेरे को लग रहा है अंदर कंपोनेंट भी कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा कंपोनेंट लगाया होगा कंपनी ने, तो खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये इसमें कैसा कैसा कंपोनेंट लगा है और क्वालिटी कैसा है, मिंडा से अलग है या वही सेम क्वालिटी का कंपोनेंट लगा है अंदर। तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं, लगभग खुल चुका है ये। जब भी आप इसको खोले तो ध्यान रखें एक चीज़ का, ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ का प्रयोग मत कीजिए, ज़्यादा दबा के उसको घुमाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो ये टूट सकता है। आराम से हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इसको खोलिए ताकि कोई भी चीज़ आपका फटे नहीं और टूटे नहीं, क्योंकि बहुत लोग इसको ऐसे ऐसे जगह में इंस्टॉल करते हैं कि इसका नट वगैरह में रस्ट लग जाता है। तो इसको जब भी आप इंस्टॉल करें एक पॉलीथीन के सहायता से उसको कवर कर लें, उसके बाद उसको इंस्टॉल करें ताकि आपका पैसा पानी में ना जाए, ये ख़राब ना हो कभी भी, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आपका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। इसमें थोड़ा पैकिंग अच्छा तरीके से किया है कंपनी ने, तो पैकिंग के क्वालिटी में ये बेहतर है मिंडा से। ये देखिए ये नट खुलने से भी नहीं खुला क्योंकि इसमें एडहेसिव या कोई भी चिपकाने वाला जो होता है एडहेसिव होता है उसको अच्छी तरीके से पेस्ट किया है कंपनी ने। तो पैकिंग और सेलिंग की अगर बात करें तो ये बेहतर है मिंडा से। ये देखिए इसका सर्किट बोर्ड निकल आया है, ये इसका पैकिंग भी बहुत मोटा है, देख सकते हैं डबल पैकिंग है इसमें। तो ये पैकिंग के मामले में भी, सीलिंग के मामले में भी, वाटर अंदर जाने के मामले में भी वो मिंडा से थोड़ा बेहतर है। ये इसका एंटीना का तार है, मिंडा का एंटीना का तार नहीं दिया है, वो अंदर ही छोटा वाला थोड़ा एंटीना दिया है, तो ये फ्रिक्वेंसी के बारे में भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को। ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगभग सेम टू सेम है। ये देखिए वहाँ पर भी पांच रिले है, यहाँ पर भी पांच रिले है, पावर ट्रांसफार्मर है उसमें, उसमें भी पावर ट्रांसफार्मर थोड़ी बड़ी है, उसमें उसका जो ट्रांसफार्मर है थोड़ा बड़ा दिख रहा है मेरे को। ये देखिए वही रिले है, सेल्फ में भी काम देती है और हेडलाइट को ऑन करने में काम देती है, ये सब जो भी हाई एम्पर का चीज़ को चलाने के लिए ये सब काम में आती है। प्रोसेसर आईसी भी थोड़ा अलग है इसका, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये भी बेहतर है उससे, मेमोरी आईसी सेम है इसका, नंबर भी सेम है।
ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। YC में थोड़ा बदलाव किया है और पावर ट्रांसफार्मर जो उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, बेहतर क्वालिटी का लगा है इसमें। तो रूट्स का ज़्यादा बेहतर लगा मेरे को, उसका वायर भी, वायर का गेज भी जो है बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए, ये मैंने मिंडा का दिखा दिया आपको पीछे का व्यू, ये इसका है रूट्स का, आप देख सकते हैं। दोनों ही कंपनी अपने जगह सही है, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर रहता रहता है। कौन सा टाइम में कौन सा कंपनी क्या निकाला, क्वालिटी कैसा रहा, वो थोड़ा इधर उधर रहता रहता है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी अगर आप पूछेंगे मेरे से तो रूट्स का ही बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। ये देखिए, ये रूट्स का रिमोट है, इसे भी हम देखेंगे खोल के इसके अंदर क्या है कंपोनेंट, इसको हम ट्राई करेंगे खोलने के लिए, देखते हैं कैसा है इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये देखिए, और इसे खोलने के लिए तो आपको अलग स्क्रू ड्राइवर चाहिए। अब बड़ा जो स्क्रू ड्राइवर उसमें इसके उसको इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, टूट सकती है और पानी भी इसमें अंदर घुस सकता है। तो हम देखेंगे इसको खोल के इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट। चलिए, इसमें चार स्क्रू ही रहते हैं, चारों को हल्के हाथों से खोल लेते हैं। ये देखिए, खुल चुका है ये। अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट लगा है। ये देखिए, इसमें भी एक मेमोरी आईसी लगी है और एक पावर आईसी, दो पावर आईसी लगे हैं। ये देखिए, और ये स्विच का जो बटन का स्विच है, चारों स्विच लगा है। ये है आईसी, ये है पावर आईसी, ये भी है पावर आईसी। ये एक ओम्स लगा है, ये स्विच है जो स्विच काम करती है आप जब रिमोट दबाते हैं। ये देखिए, वो बड़ा वाला ऐसी ट्रांसमिशन का भी काम करती है, उसमें ट्रांसमिशन का भी उसके अंदर कंपोनेंट है, वो ऐसी के अंदर जब रिमोट दबाते हैं तो सिग्नल जाता है सिक्योरिटी सिस्टम में। ये देखिए बैटरी इसका, ये आपको मिलेगा 12 वोल्ट का बैटरी है, ये अल्कालाइन का, ये 12 वोल्ट से ही ऑपरेट करता है, लेकिन एम्पियर बहुत कम है, 0.05 एम्पियर है इसका। ये देखिए, इसको हम थोड़ा मेजर करेंगे बैटरी ठीक है या उसमें पावर है कि नहीं। ये लगभग बैटरी लास्टिंग अगर आप अच्छे कंपनी का लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लास्टिंग करती है, और ऑर्डिनरी बैटरी भी मिलती है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो आप ट्राई करें अच्छा वाला बैटरी उसमें डालने के लिए, क्योंकि बार बार आप खोलेंगे बैटरी चेंज करेंगे तो उसका जो पानी के लिए जो प्रोटेक्शन लेयर रहता है वो ख़राब हो सकता है रिमोट में और पानी घुस सकता है। तो एक बार डालिए, अच्छी बैटरी डालिए, जैसे बार बार आपको खोल के बैटरी चेंज करने की परेशानी नहीं रहेगी, इससे आपका रिमोट भी बचा रहेगा। ये इसका बजर है जिससे ये साउंड प्रोड्यूस करता है, अलार्म जो भी निकलता है इसी से निकलता है ये वाला। किसी किसी रिमोट में सिक्योरिटी सिस्टम में ये दो रहते हैं, किसी में एक रहते हैं, तो काम सभी का सेम टू सेम है। अभी मैं थोड़ा आपको ब्रीफली उसके अंदर दिखाऊंगा, सर्किट में थोड़ा बहुत कैसे काम करता है बता दूंगा। अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल सबको दूंगा, कौन सा आईसी का नंबर क्या है, कौन सा आईसी का फंक्शन क्या है, कौन सा रिले क्या काम करती है, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। इसलिए आप नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आपको मिलते रहे, आपको ढूँढने की परेशानी नहीं रहेगी। ये देखिए, ये चारों रिले हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ी।
यह है पावर ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर पावर जाके वो डायल के जरिए एस रिले में पहुंचती है। ये इसका मेन रिले है, स्टार्टिंग रिले है, इंडिकेटर्स के लिए बना है, यह हेडलाइट्स के लिए बना है। तो ये है इसका मेमोरी आईसी, ये भी एक मेमोरी आईसी है। ये इसका है पावर आईसी जो बड़ा वाला है, ये आईआर रिसीवर का जो सिग्नल बड़ा और कम आते हैं वो इसके लिए काम आता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। रिमोट का आरएफ सिग्नल को आप सेट कर सकते हैं वही स्क्रू से, लेकिन उसे थोड़ा धीरे धीरे घुमाइए, ज़्यादा ज़ोर घुमाएंगे तो वो टूट सकता है। रेंज बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा बाकी होगा रेंज उसमें तो आपको मिल जाएगा, बढ़ा सकते हैं आप। ये आरएफ कॉइल है लगा है इसमें, ये डायल है, ये चारों के चारों जो हैं वो आपको एक स्टार्टर में काम लेता है जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं आप, और एक जो अकेला बैठा है जो रिले पहला वाला वो उसका मेन रिले है, उसको पावर करता है। ये सेंसर है एक, जब गाड़ी को कोई छूता है या गाड़ी में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, जब गाड़ी बंद रहती है तब गाड़ी में सायरन बजता है, इस चीज़ के लिए। इसमें छोटा सा मैग्नेट होता है, ये देखिए पकड़ रहा है स्क्रू ड्राइवर को मेरा। ये है आरएफ कॉइल का सिग्नल, आप बढ़ा सकते हैं इसमें। ये इसका मेन आईसी है, लगभग सेम टू सेम इसी सर्किट में भी है, लेकिन एक तो आईसी का इसमें ज़्यादा, एक आईसी ज़्यादा लगा है रूट्स में और मिनरल में एक आईसी को नहीं दिया है। ये सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, ये देखिए इसमें भी है, ये सिस्टम लगभग सेम टू सेम है। एक आईसी का कमी है इसमें, मिंडा में एक आईसी दिया नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा वो आईसी सब सारे आईसी क्या क्या काम करते हैं और वो आईसी का काम क्या था जो मिंडा ने नहीं दिया। ये भी इसका मोशन सेंसर है, अगर कोई इसको टच करता है गाड़ी को या थोड़ी सी भी हरकत होती है गाड़ी में तो अलार्म अपने आप बजने लगता है, तो इसी सिस्टम की वजह से वो काम करता है। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू, और रिमोट का भी आपने देख लिया क्या क्या अंदर है, ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। ये इसका आईसी, ये पावर आईसी का भी काम करती है और ट्रांसमिशन का भी काम करती है, दोनों का काम करती है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो रिमोट आपका काम नहीं करेगा, आप समझेंगे रिमोट में लाइट जलेगी, सब लाइट भी जलेगी सब होगी, लेकिन वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा सिस्टम के पास तो काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे सिस्टम ख़राब हो गया, लेकिन सिस्टम ख़राब इतना जल्दी होता नहीं है, रिमोट में भी परेशानी रहती है। ये देखिए, और बैटरी थोड़ा अच्छे डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार आप खोलेंगे रिमोट तो पानी घुसने की खतरा रहता है उसमें, ट्राई कीजिए अच्छा वाला बैटरी डालने के लिए तो बढ़िया रहेगा, एक साल चल टिकेगा तो बहुत अच्छा है, एक सीजन आपका निकल जाएगा उसमें, खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसमें भी दोनों जो जैक है जो बजर के लिए है सेम टू सेम है, सारी चीज़ें लगभग सेम टू सेम है, लेकिन एक आईसी का मेरे को मालूम नहीं पड़ा एक आईसी क्यों दिया नहीं, तो मैं जब चेक करूंगा इसको वो आईसी का काम क्या है कैसे फंक्शन करता है तब मैं आपको बता सकता हूं कि आईसी किस काम का था और कंपनी ने क्यों नहीं दिया और इसमें कमी क्या है। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू, अभी थोड़ा सर्किट कैसे आप लगाएंगे इसको इंस्टॉल करेंगे वो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अभी मैं आपको जो सर्किट का जो लेआउट है कैसे आप गाड़ी में फिट करेंगे इसको उसके बारे में बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो कि आपको काम में आएगा, अगर कहीं पर वायर टूटता है तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगा आसानी से। ये देखिए, इसमें सभी गाड़ी का जो जो गाड़ी का दिया है वही गाड़ी का आपको मिल जाएगा, मैं उसी इसका मतलब है इसी गाड़ी में, इस सब गाड़ी में जो सिस्टम नीचे है जो डायग्राम नीचे है वो सेम टू सेम है, वैसी तरीके से लगेगी ये सब गाड़ी में, आप देख सकते हैं इसको। पहले है बजाज पल्सर 180 150 200 सीसी, उसके बाद डिस्कवर है, उसके बाद ये सब सारी गाड़ियां हैं।
कुछ नहीं, तीनों तार का काम है इसमें, लिखा हुआ है तीनों तार, वो तीनों तार में आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ये देखिए स्विच है, अर्थिंग का भी नीचे दिया हुआ है, ये देखिए तीनों तार का है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल जो भी है वो लगा सकता है ठीक से, अगर लगाए तो ठीक, अगर कोई ऑर्डिनरी मैकेनिक अगर है या कोई जिसको आता नहीं है, अगर इंस्टॉल कर दिया तो गाड़ी का वायरिंग जलने की खतरा भी बढ़ जाती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन अगर थोड़ी भी इधर उधर हो जाता है कोई भी तार, तो आपका वायरिंग का सिस्टम जो है वो जल सकता है। तो जब भी इसको आप इंस्टॉल करें तो साथ में एक फ्यूज़ बॉक्स ज़रूर लगाएं, ताकि अगर इसमें कोई शॉर्ट हो तो वो फ्यूज पहले जल जाए, आपका गाड़ी का वायरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका गाड़ी का वायरिंग जो है वो जले नहीं। तो एक फ्यूज बॉक्स आप लगा सकते हैं, वो 40 रुपया या 30 रुपये का अंदर आता है। कोई भी गाड़ी का फ्यूज बॉक्स, बजाज का हो, हीरो का हो, कोई भी फ्यूज बॉक्स ले, उसमें 2 एम्पेयर का फ्यूज लगाएं, ताकि थोड़ी सी भी अगर परेशानी, थोड़ी सी भी शॉर्ट हो तो फटाक से वो उड़ जाए और आपका वायरिंग सिस्टम को बचा दे। ये देखिए इसका भी वायरिंग मैंने दिखा दिया सभी गाड़ी का। और वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। और भाई मेरा थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, तो बोलने में थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.